ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं मंगल देव का राशि परिवर्तन 15 मार्च को हो रहा है और मंगल देव का जो राशि परिवर्तन है ये कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर ये शनि के साथ रहेंगे और शुक्र के साथ कुछ दिनों तक इनकी युति बनेगी 30 मार्च तक की, और शनि मंगल की जो युति बनने वाली है लगभग 23 अप्रैल तक बनेगी। शनि को अगर आप समझते हैं ज्योतिष में, अगर अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, तो शनि देव को वायु तत्व कहा जाता है, वायु का देवता कहा गया है। डिसिप्लिन के प्रिय है, न्याय प्रिय भी कहा जाता है, सेवक की भी संज्ञा दी गई है और गैसीय तत्व होते हैं। इसके अलावा जो मंगल देवता है वो ऊर्जा के कारक हैं, पित्त के कारक है, अग्नि तत्व है, भाई का प्रतिनिधि करते हैं और साथ में मंगल को सेनापति की भी उपाधि दी गई है। तो शनि मंगल की ये युति खतरनाक हो जाती है। अब लॉजिकली खतरनाक क्यों होती है, क्योंकि शनि एक वायु है और मंगल अग्नि है, तो इसका मतलब है वायु और अग्नि जब साथ में जुड़ जाए तो अग्नि की जो तीव्रता होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वैसे भी मेदिनी ज्योतिष में कहा गया है जब भी शनि मंगल साथ साथ आते हैं उस समय प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ जाना अकस्मात तेज हो जाता है, और ये भी रेड अलर्ट वाले वीडियो में आप लोगों को बताया जा चुका है। फिलहाल शनि मंगल की युति प्रत्येक लग्न में अलग अलग भावों में होगी। आइए समझते हैं प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव होता है। प्रारंभ करते हैं मेष लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए मेष लग्न में अगर हम लोग बात करते हैं तो शनि मंगल की जो ये युति बन रही है ये आपके लग्न भाव से एकादश भाव में हो रहे हैं। आपका जो लग्नेश है वो उसकी तीव्रता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब आपका जो एग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, निश्चित रूप से एग्रेशन बढ़ेगा। और यहाँ पर बैठा हुआ मंगल चौथी दृष्टि से आपके गले को, परिवार को, धन को देखेगा, तो इनकम में बैठ के धन को देखेगा तो धन को तो बढ़ाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक साथ में प्रॉब्लम भी करेगा, परिवार में मतभेद उत्पन्न कर देगा, वाणी अति तीव्र हो जाएगी, वाणी का तीव्र होना बहुत अच्छा नहीं है। साथ में जो मंगल की सातवीं दृष्टि पड़ेगी वो पंचम भाव में पड़ेगी, मित्र की राशि पे पड़ेगी, इसलिए आपको संतान से संबंधित किसी प्रकार का जो परेशानी चल रही थी वो परेशानी खत्म होगी। आपका जो टेक्निकल या एनालिटिकल या बौद्धिक स्तर पे जो आप काम करते हैं उसमें आपको लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा शनि देव और मंगल की जो ये युति होने वाली है ये न्याय प्रक्रिया में भी आपको रिलैक्सेशन देगी, क्योंकि शनि की दृष्टि रिपु भाव पे नहीं पड़ रही, मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल आपके लग्नेश हैं, अगर रोग को देखेंगे तो रोग को ख़त्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। वैसे भी क्रूर ग्रह की संज्ञा में मंगल आते हैं, मंगल छठवें भाव में देखेंगे तो निश्चित रूप से लीगल मामलों में आपको सफलता जल्दी मिलेगी। तो शनि मंगल की युति जो है आपके लिए एटलीस्ट कहा जाए मेष लग्न के लिए अच्छे भाव पे बन रहा है। एकादश भाव में वैसे भी किसी को दोष नहीं लगता है, लेकिन कुछ परेशानियाँ यहाँ पर होंगी, इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अष्टमेश हैं और इनकम में जाकर बैठे हैं, धन लाभ भले ही करा देंगे लेकिन प्रारंभिक समय में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भाई बहनों के स्थान पर शनि मंगल की युति है तो भाई बहनों के बीच में मतभेद होना, क्योंकि परिवार को देख रहे हैं, परिवार में भाई बहन सब आते हैं, इसलिए परिवार में कुछ ना कुछ विवाद बड़े भाई बहनों के साथ हो सके या बड़े भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाए या बड़े भाई बहन अस्वस्थ हो जाए, ऐसा मेष लग्न में गोचर में मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उपाय क्या करना चाहिए, इस समय सबसे बढ़िया उपाय है
आप विष्णु जी की आराधना कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, आपका ये राशि परिवर्तन मंगलमय होगा। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए वृषभ लग्न में शनि वैसे भी योग कारक माने जाते हैं, लेकिन शनि देव को अगर आप देखिएगा वृषभ लग्न में तो एक प्रकार से बाधक ग्रह भी होते हैं। नवम त्रिकोण के मालिक है, दशम में जाके ऑलरेडी बैठे हुए हैं और मंगल भी यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। मंगल आपके अत्यंत मारक ग्रहों में से एक है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे भी पड़ेगी, सप्तम पे, चतुर्थ पे भी पड़ेगी और पंचम पे भी पड़ने वाली है। शनि मंगल की ये युति कार्यस्थल पर अग्नि का अकस्मात विस्फोट होना, जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं उसके आसपास अग्नि का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कार्यस्थल पर अग्नि बहुत प्रज्वलित होने वाली है। मंगल यहाँ पर दिशा बली है तो अपना ये बल तो दिखाएंगे, साथ में शनि की जो वायु है इस अग्नि को और भड़काने की कोशिश करेगी। कार्यस्थल पर बहुत सारे मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी जो एनर्जी रहेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आपकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे मंगल देव, लेकिन मारक ग्रह हैं। अगर ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ती है और वो वेस्ट होती है, ज़्यादा आप काम कर रहे हैं और उस काम का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा भी बहुत स्वाभाविक है शनि मंगल की युति जो दशम भाव में बन रही है इसके कारण। इसके अलावा मंगल क्योंकि लग्न को देखेंगे तो इस समय एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। कार्यस्थल को लेकर कोई बड़ा डिसीजन अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। जो लोग भी गैस रिलेटेड काम करते हैं, LPG PNG रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये युति बहुत अच्छी युति नहीं है। पैरों में चोट लगने की भी संभावना वृषभ लग्न में देखने को मिलेगी। साथ में माता के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट उत्पन्न होना, लेकिन संतान से सुख की प्राप्ति भी आपको यहाँ पर मिलेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस समय धैर्य रखने का समय है। 23 अप्रैल तक आपको धैर्य रखना चाहिए। कुछ चीज़ों के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव है, जैसे आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन एग्रेशन भी ज़्यादा रहेगा। कार्य आप करेंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे, लेकिन साथ में रिस्क फैक्टर भी लगा रहेगा आपके, क्योंकि सप्तमेश भी बन जाते हैं मंगल, तो जीवन साथी का के साथ वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। और कहीं ना कहीं पर कार्य क्षेत्र को लेकर अगर कोई स्थान परिवर्तन बनता है या कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का बदलाव होता है तो आप समझ लीजिएगा कि ये आपके पॉजिटिव के लिए हो रहा है और एक अच्छे शुरुआत के लिए आप इसको समझिएगा। इस समय दैनिक रोजगार में जो लोग कमाते हैं उनके लिए थोड़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो शुक्र का बीज मंत्र कीजिए, शुक्र आपकी उच्च राशि में भी पहुंचेंगे तो शुक्र का बीज मंत्र करना इस समय सबसे लाभप्रद रहेगा। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए मिथुन लग्न के जितने भी जातक हैं ऐसे सभी लोगों के लिए मंगल जो होते हैं इनके परम शत्रु माने जाते हैं। मंगल जो है, हालांकि अगर आप मित्रता देखिएगा तो मंगल जो है बुध देवता जो आपके लग्नेश हैं, बुध मंगल को न्यूट्रल मानते हैं, लेकिन मंगल बुध को 36 के आंकड़े से देखते हैं। तो मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है तो प्रभाव मंगल का रहेगा और ये आपके पितृ भाव में हो रहा है, आपके पिता के भाव में हो रहे हैं, नवम भाव में हो रहा है। मंगल को डिपार्टमेंट भी छठवें भाव का दिया गया है और साथ में इनकम का मालिक भी आ गया, भाग्य में जा रहा है। तो न्यायिक मामलों में भाग्य का सहयोग यहाँ पर बढ़ेगा। न्यायिक मामलों में अगर प्रक्रिया धीरे चल रही थी तो उस प्रक्रिया को ये तेज करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस स्थान पर बैठ के शनिदेव न्याय को देख रहे हैं तो ऑलरेडी डिले जिनके चल रहे थे उनको लाभ मिलेगा। जिनके ऑलरेडी नए केसेस चल रहे हैं उसमें अभी भी डिले होगा, लेकिन न्याय प्रक्रिया में तेजी आते हुए दिखाई दे रही है। भाग्य का सहयोग बिल्कुल नहीं देगा, इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि में से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। रीढ़ की हड्डी में अकस्मात दर्द का बढ़ जाना ऐसा भी चार्ट में दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन जो रहेंगे वो सामान्यतः मधुर रहेंगे और
आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी, पिता के स्वास्थ्य को लेकर, माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी अभी भी लगती हुई मुझे दिखाई दे रही, स्पष्ट रूप से मुझे दिख रहा है। इसके अलावा मंगल जो है यहाँ से बैठ के आपको लंबी दूरी की यात्रा भी करा सकता है, और यहाँ पर यात्रा कराने का मतलब है कि आपको इस यात्रा के फलस्वरूप लाभ मिलेगा। मंगल की जो बाकी दृष्टियाँ पड़ रही, जैसे सातवीं दृष्टि आपके छोटे भाई बहनों पे और आठवीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, तो सबका जो ओवरऑल कॉन्क्लूजन बन रहा है, इस समय यात्रा करना आपके लिए सुखद रहेगा, यात्रा कीजिए, लेकिन भाग्य भरोसे और कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा रहेगा। रिस्क फैक्टर जिसमें भी ज़्यादा रहेगा, जैसे शेयर सट्टा लॉटरी, इसमें अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी, इसलिए अभी अलर्ट कर दे रहा हूँ। इस समय नुकसान ज़्यादा होगा, और आपको धार्मिक यात्रा अगर कर रहे हैं तो धार्मिक यात्रा में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ यहाँ पर शनि और मंगल की युति कर सकती हैं, तो धार्मिक यात्रा पे जाने से अगर आप बच सकते हैं तो बचिएगा, नहीं तो बहुत सारी परेशानियों के साथ धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी। तो मिथुन लग्न वाले जातक को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, वर्तमान में आपका लग्नेश भी नीच राशि में है, तो 26 मार्च तक की जो स्थिति है उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आपका जो लग्नेश है वो मेष में चला जाएगा, उसके राशि परिवर्तन को उस समय बताऊंगा। उपाय के लिए बुध का बीज मंत्र कीजिए, वही आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। कर्क लग्न की बात करते हैं। देखिए, कर्क लग्न में शनिदेव अपने कारक भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं और अपने मूल त्रिकोण राशि में जाकर बैठे हुए हैं। मंगल भी यहीं पर आकर बैठ गए हैं, तो शनि मंगल की जो ये युति बन रही है आपके लिए, जो लोग तंत्र मंत्र अध्यात्म मेडिटेशन इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व है, ऐसे सभी लोगों के लिए और गहनता देखने को मिलेगी, बहुत सारी नई चीज़ों को सीखने को यहाँ पर मिलेगी। लेकिन इस दौरान यात्राएं करना कठिनाई से मतलब परिपूर्ण रहेगा, यात्रा करना कष्टप्रद होगा। इस समय संतान को लेके भी किसी ना किसी प्रकार की टेंशन लगी रहेगी, और साथ में ये समय बहुत अच्छा कहा जाए तो नहीं दिखाई दे रहा, किन टर्म्स में बोल रहा हूँ अच्छा नहीं होगा। एक तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, सबसे बड़ी चीज़ है फाइनेंसेस जो हैं वो आएंगे लेकिन रुक रुक कर होंगे। अभी मंगल देवता आपके क्योंकि योग कारक हैं और वो उनकी ऊर्जा ज़्यादा हो जा रही है, और ये अष्टम भाव पर हो रही है, तो अष्टम भाव आयु मृत्यु दोनों का होता है, रहस्यों का होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है। तो पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी थी तो ये शनि और मंगल की ये युति सॉल्व कर देगी। पैतृक संपत्ति में आपको अच्छे लाभ मिलेंगे, जो लोग रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हैं उनके लिए अच्छा, लेकिन यात्रा के लिए उतना अच्छा नहीं है। यात्रा करते समय दुर्घटना होने की संभावना भी कर्क लग्न में देखने को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो शनिदेव रहेंगे आपके बड़े भाई बहनों को भी देखेंगे, तो बड़े भाई बहनों के साथ भी वाद विवाद होना ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और ये सब वाद विवाद जो रहेगा वो पैतृक प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है, किसी ना किसी प्रकार का कि ये परेशानी शनि मंगल की युति यहाँ पर देने वाली है। शनि मंगल की युति के कारण जो आपकी जो मान पद प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी, और कहा जाए कि लंबे टाइम तक एक जो डिसिप्लिन के साथ आपको काम करना है उसके लिए मेहनत क्या होता है वो आपको ये सिखा देंगे। शनि मंगल की जो ये युति बन रही है आपको खूब मेहनत करना है यहाँ पर सिखाएंगे कि मेहनत क्या होता है, तो मेहनत करने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। भाग्य पूरे तरीके से साथ नहीं देगा, इसलिए भाग्य भरोसे कोई काम नहीं करना, कर्म के भरोसे काम कीजिए। अगर यात्रा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कर्क लग्न में, तो महामृत्युंजय की एक माला करके ही घर से निकलिएगा, और दिशा शूल का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आपको दिशा शूल पंचांग में ज़रूर हमारे मिल जाता होगा, दैनिक राशिफल में, उसका बहुत ध्यान देकर ही काम कीजिएगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक द्वादशाक्षर मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं शनि मंगल की युति सिंह लग्न के जातकों के लिए। देखिए, सिंह लग्न में जो शनि मंगल की जो युति बन रही है वो निश्चित रूप से आपके सप्तम भाव में बन रही है,
सप्तम भाव में शनिदेव ऑलरेडी विराजमान थे और मंगल देवता आपकी अत्यंत योगकारक देवता है। शनि मंगल की ये युति जो है वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। वैवाहिक जीवन में या किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं, लाइफ पार्टनर हो बिजनेस पार्टनर हो, दोनों में ही परेशानी ये उत्पन्न करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। शनि मंगल की ये युति आपके शरीर में एग्रेशन को भी लाएंगे, थोड़ा गुस्सा उत्पन्न ज़्यादा होगा, वैवाहिक जीवन को लेकर वाद विवाद बहुत ज़्यादा होंगे, तो वाद विवाद से आपको इस समय बचना चाहिए। किसी भी प्रकार के नए प्रोजेक्ट को इस दौरान 23 अप्रैल तक बिल्कुल भी आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो परेशानी ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी। हालांकि कर्म क्षेत्र में आप अपना पूरा प्रयास करेंगे, दैनिक रोजगार में ज़रूर कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जो लोग सैलरी पाते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए लॉन्ग टर्म अच्छा है। और विशेष रूप से अगर आप किसी प्रकार का काम गैस रिलेटेड अगर करते हैं तो उस क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना चाहिए। आपका लग्न वैसे भी जो है अग्नि तत्व है और मंगल भी अग्नि है और शनि के साथ अग्नि वायु का एक प्रकार से कहा जाए अग्नि की तीव्रता बहुत ज़्यादा होगी, तो एग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। एग्रेशन से बचिएगा, शॉर्ट टेम्पर से बचिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकता है। पेशेंस से काम लीजिए, कोई भी चीज़ को एकदम जल्दीबाजी में करने से दिक्कत होगा और परिवार में वाद विवाद भी होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी द्वितीय भाव पर पड़ेगी। तो निश्चित रूप से ये समय थोड़ा कठिनाई पूर्वक है। अब कठिनाई पूर्वक धन को लेकर भी है, परिवार को लेकर भी है, पार्टनर्स को भी लेकर है। पॉजिटिव चीज़ें क्या रहेगी, कार्य क्षेत्र में आपको ऊर्जावान ये बनाए रखेंगे, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के योग बनते हैं, संतान से सुख की प्राप्ति आपको मिलेगी, लेकिन बाकी जो मेन है जो फैमिली के जो रिलेशन है उसमें डिस्प्यूट होंगे। तो आपको शुक्र का बीज मंत्र कीजिए और कोशिश कीजिए कि गरीबों में कुछ पढ़ाई लिखाई की वस्तुओं का अगर आप दान कर दें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए कन्या लग्न वाले जातकों के लिए शनि मंगल की जो युति बन रही है वो रिपु भाव में बन रही है, रोग ऋण शत्रु में जाकर बन रही है, रोग ऋण शत्रु में बन रही है। यहाँ पर लीगल केसेस में एकदम से रिजल्ट आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई देगा, जो लीगल केसेस सॉल्व नहीं हो रहे थे एकदम से आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। साथ में लंबे टाइम के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो भी आपको लाभ मंगल देवता यहाँ देंगे। मंगल देवता यहाँ पर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा हालांकि नहीं मिला हुआ है, अष्टमेश हैं और छठवें भाव में जाके बैठ रहे हैं। विपरीत राजयोग का निर्माण कन्या लग्न में होगा नहीं, क्योंकि आपका लग्नेश अभी तो नीच राशि में है और साथ में 26 मार्च के बाद इनका राशि परिवर्तन होकर ये अपने अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे। अष्टम भाव में लग्नेश का बैठना वैसे ही परेशानियों का घर हो जाता है, तो परेशानियां रहेंगी लेकिन न्यायिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी। किसी दूसरे प्रकार की परेशानी अकस्मात उत्पन्न हो सकती है, त्वचा संबंधित विकार हो सकते हैं, न्यूरो रिलेटेड मेडिकली कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन फिर भी बाकी चीज़ों को देखा जाए तो उसमें आपको ये रिजल्ट अच्छा देगा। रोग ऋण शत्रु इस समय खत्म होंगे, मानसिक परेशानियाँ ज़्यादा रहेंगी, शारीरिक परेशानियाँ आपकी कम हो जाएंगी, आय के साधन बढ़ेंगे, दूर संचार माध्यमों से या विदेशों से या ऑनलाइन माध्यमों से आपको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, धन की स्थिति यथावत बनी रहेगी, कार्य व्यवसाय में आपको ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। पिता के लिए अगर वो अस्वस्थ हैं तो उनके रिकवरी मोड बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होता हुआ मैं देख रहा हूँ, और लेकिन एग्रेशन अभी भी आपके बॉडी पे दिखाई देगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होने से आपको बचना चाहिए। गणेश जी की आराधना कीजिए जिससे सभी काम आपके सही तरीके से हो जाएंगे। तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए तुला लग्न में ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन रही है। मंगल वैसे भी मारक ग्रह है, बहुत अच्छा ग्रह मंगल को दिया ही नहीं गया है यहाँ पे। द्वादशेश हैं, सप्तमेश हैं और दोनों ही मंगल
का जो भाव बनता है, द्वितीयेश हैं और मतलब सेकंड हाउस के लॉर्ड है और सेवेंथ हाउस के लॉर्ड है, और दोनों के मालिक होकर ये पंचम में जा रहे हैं। शनि एक्चुअली में देखा जाए तो वैवाहिक जीवन के लिए तो वैसे ही पार्टनरशिप, वैवाहिक जीवन में परेशानी तो लगातार लंबे समय से चल रहा होगा शनि के कारण। अब मंगल आकर ऑलरेडी वहाँ पर बैठ जाएंगे तो धन को लेकर बैठ तो रहे हैं माइंड में, लेकिन मारक ग्रह जब भी माइंड में बैठता है आपको पैसे तो लोग कमा कर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इफ़िशियंसी अगर आप देखिएगा तो उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। काम बहुत ज़्यादा करेंगे लेकिन रिजल्ट में थोड़ा संतोष आपको मिलेगा ज़रूर यहाँ पर। संतान को लेकर स्थिति जो रहेगी, और क्योंकि ये उदर का भी थोड़ा पोर्शन होता है तो इस समय जो स्टमक है उसमें बहुत ज़्यादा अग्नि तत्वों का बढ़ जाना, पित्त का बढ़ जाना, गर्मी का बढ़ जाना, ऐसा आपको अनुभव होगा। संतान के साथ भी थोड़ी सी कठिनाई आप प्रति होता हुआ दिखाई देगा, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके शिक्षा में कुछ व्यवधान यहाँ पर उत्पन्न होगा। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें क्या है, आय के साधन को शनिदेव और मंगलदेव की जो कंबाइंड युति है वो बढ़ाएंगे। वाहन दुर्घटना के योग बनते हैं, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा, ज़रूरत होगा तो महामृत्युंजय की माला करके ही निकलिएगा, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती। इसके अलावा शनिदेव और मंगलदेव की जो ये युति बन रही है वो आपके लग्न भाव पर, आपके द्वादश भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी। तो द्वादश भाव मतलब विदेशों से आपको लाभ मिलेगा, आय के साधन तो बढ़ेंगे ही साथ में लाभ भी होंगे, दूर संचार माध्यमों से आपको भी लाभान्वित ये कराएंगे। वृश्चिक लग्न की बात करें, देखिए वृश्चिक लग्न में शनि और मंगल दोनों की जो ये युति बन रही है 23 अप्रैल तक की, ये कहीं ना कहीं पर देखा जाए तो मंगल देवता खुद भूमि वाहन मकान वाले स्थान पर आ गए हैं, चतुर्थ भाव में आ गए हैं, शनि के साथ आ गए हैं, तो माता को किसी ना किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है और मानसिक रूप से आपको भी कष्ट उठाना पड़ सकता है, मानसिक रूप से परेशानियां इस समय ज़्यादा रहेंगी। कार्य व्यवसाय को लेकर भी उथल पुथल होने की संभावना, अगर आपने मैनेजमेंट अच्छा नहीं किया तो कार्य क्षेत्र में काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए डिसिप्लिन बनाकर चलिए, क्योंकि शनि के साथ आपका मंगल बैठ रहा है, आपका लग्नेश बैठ रहा है, तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इस समय इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ नहीं काम करेंगे तो कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बदलाव होने की संभावना है, ट्रांसफरेबल अगर आप जॉब करते हैं तो ट्रांसफ़र होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रहा है, और ट्रांसफ़र होने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आपको पहले से अच्छा वर्क मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी यह युति अच्छी नहीं, इसलिए डिसिप्लिन के साथ जो काम कर रहे हैं उस काम को कीजिए, किसी प्रकार का जॉब स्विच करने की कोशिश मत कीजिए, और ज़रूरत हो तो पर्सनल कंसल्टेशन लेकर अपने चार्ट का एनालिसिस कराइए। भाग्य इस समय आपका सपोर्टिव ज़रूर रहने वाला है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद होना ऐसा भी चार्ट में दिखाई दे रहा है, तो प्रॉब्लम को आराम से बैठ के सॉल्व कीजिएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं तो यात्राओं में भी विघ्न उत्पन्न हो जाएगा और साथ में आपका जो मानसिक तनाव रहेगा वो बढ़ेगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस समय आपको डिसिप्लिन में रहना, जो काम जब स्टार्ट करना है तब कीजिए, ऐसा करने के बाद ही आप अपने टारगेट को अचीव कर पाइएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। 23 अप्रैल तक का टाइम थोड़ा चुनौतीपूर्ण, मैं कहूँगा वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए, खराब नहीं कहूँगा, चुनौतीपूर्ण वर्ड कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। इस समय बजरंग बाण का पाठ कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु लग्न वाले जातकों की बात करते हैं, देखिए धनु लग्न में शनि मंगल, जहां मंगल को क्रूर ग्रह माना जाता है, और आपके लग्न के हिसाब से देखा जाए तो पंचम त्रिकोण के मालिक भी मंगल देवता है। शनि मंगल की जो ये युति है धनु लग्न वाले जातकों के लिए अच्छी है। उपचय भाव में खराब ग्रह जब बैठते हैं तो रिजल्ट अच्छा दे देते हैं, तो मित्र रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी समाज में, आप किसी भी काम को करेंगे उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज्यादा दिखाई देगा,
श्वसन संबंधित किसी प्रकार की परेशानी धनु लग्न में चल रही थी तो वो परेशानी कम होगी। मानसिक चिंताओं से अभी बचना चाहिए, मानसिक चिंताएं ज़्यादा रहेंगी शारीरिक रूप से उतनी परेशानी नहीं होगी, इवन लिटिगेशन या लीगल मामलों में आपको सफलता मिलेगी, यानी जो पक्ष होगा वो आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई देगा, कोर्ट का जो फैसला होगा वो आपके पक्ष में होगा अगर किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी। इस समय यात्रा करने में थोड़ी परेशानी प्रारंभ में आएगी, लेकिन ओवरऑल यात्रा से लाभ मिलेगा, भाग्य सामान्य ही साथ देगा, कार्य व्यवसाय में लाभ की स्थिति रहेगी। तो ओवरऑल धनु लग्न के लिए एटलीस्ट कहा जाए ये परिवर्तन अच्छा है, और विद्यार्थी वर्ग हैं तो विद्यार्थी वर्गों के लिए भी काफ़ी अच्छा समय ये स्टार्ट होने वाला है। अब हम बात करेंगे मकर लग्न वाले जातकों के लिए कैसा ये रहेगा। देखिए मकर लग्न में बेसिकली देखिएगा तो शनि मंगल दोनों द्वितीय भाव में जा रहे हैं, परिवार भाव में जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अलर्ट रहिएगा जो भी मकर लग्न वाले जातक हैं, आँखों में परेशानी बढ़ जाना, सर में मानसिक सर में दर्द का बढ़ जाना, वो मानसिक रूप से ही बढ़ेगा। इस समय धन को एकत्र करने की जो संभावना रहेगी वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, आप कितनी भी कोशिश कीजिएगा धन को संग्रह कर ले, कोई ना कोई नया खर्च आएगा, परिवार में वाद विवाद भी हो सकते हैं। ये समय बहुत अच्छा नहीं है, यात्रा करने के लिए भी अच्छा नहीं है, और इस समय धन संबंधित चीज़ों के लिए भी ये समय अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। मकर लग्न वाले जातकों की वाड़ी उग्र हो सकती है, इस बात का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। मकर लग्न में मंगल एनर्जेटिक होकर गले वाले भाव में बैठ रहे हैं और साथ में आँख वाले पोजिशन में बैठ रहे हैं, अग्नि और वायु प्रज्वलित हो रहा है, इसका मतलब है कि ये धन नाश का योग बनाता है, यानी धन होगा तो उसको इस समय किसी प्रकार का नया इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा, नया इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत परेशानी में हो जाएंगे, जो कंटिन्यू आपको करना था अब ये अब 23 अप्रैल के बाद ही आप किसी प्रकार का चेंजेस कर सकते हैं, उससे पहले आपको चेंज करना ज़्यादा दिक्कत होगा। इसके अलावा जो मंगल रहेंगे संतान को लेकर किसी ना किसी प्रकार का वाद विवाद एक बार पुनः परिवार में उत्पन्न हो सकता है, संतान से वो किसी प्रकार का कष्ट होना, उधर संबंधित परेशानी होना, ये सभी चीज़ें मकर लग्न में दिख रही है। भाग्य का साथ हालांकि आपको लगातार मिलेगा, मेडिटेशन करना, धर्म के प्रति झुकाव बढ़ जाना, ये सब कीजिएगा तो आपके लिए जो परेशानी है वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब है इस समय धार्मिक कार्यों में आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा आपको लाभप्रद करेगा, धर्म के कार्यों में लगे रहिए। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए जो शनि और मंगल की युति बन रही है, क्योंकि आपके लग्न पे ही बन रही है, तो सर पे चोट लगना शनि मंगल की युति के कारण हो सकता है, सर का भारीपन, सर में भारीपन रहना, यह भी शनि मंगल की युति कराएगा। जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी, और हालांकि मकान को लेकर अगर आपके कोई लीगल मामले फंसे हुए थे भूमि वाहन मकान को लेकर और कुंभ लग्न के, तो ये टेम्प्रोरी आपको एक रिलैक्सेशन देने वाला फेज होगा, भाग्य पूरे तरीके से सहयोग नहीं देने वाला, इसलिए कर्म पे ज़्यादा विश्वास कीजिएगा, शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि में नुकसान होने की संभावना भी ज़्यादा हो सकती है, वो किसी भी कारण हो सकती है, इसलिए शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने वाले फील्ड में आपको बचना चाहिए और अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी रहेगी। ओवरऑल कुंभ लग्न की बात किया जाए तो कुंभ लग्न में एक और चीज़ है, वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, किसी प्रकार के दुर्घटना के योग भी बन रहे हैं, शनि का बीज मंत्र ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शा शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। अब हम बात करेंगे अंतिम लग्न की, मीन लग्न वाले जातकों के लिए शनि मंगल की ये युति कैसे रहने वाली है। देखिए शनि मंगल आपके द्वादश भाव में जाकर बैठ रहे हैं, शनि मंगल की ये युति ओवरऑल कहा जाए, डिपार्टमेंट क्या मिला है शनि को, सबसे पहले देखिए शनि को डिपार्टमेंट मिला हुआ है, अपना ही घर है, इनकम को लेकर खर्च में वैसे ही शनि बैठा है, तो खर्च 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 की अधिकता बढ़ रही होगी,
और धन को लेकर भी मंगल जो है वो खर्च में जाकर बैठ गया, आपके भाग्य को लेकर भी खर्च में बैठ गया, खर्च बहुत ज्यादा अभी होगा। पहले तो केवल इनकम का मालिक खर्च में बैठा था, अब संचित धन का मालिक भी खर्च में होगा, यानी जो आपने सेविंग बना बचा कर रखी थी उसके भी खर्च होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। इस समय खर्च बहुत ज्यादा होंगे, खर्च के लिए प्लानिंग पहले से कर लीजिए, कर्म पे विश्वास कीजिए। मैं आपके लिए भी बता रहा हूँ, भाग्य जो है मीन लगने वाले जातकों के लिए भी पूरा नहीं साथ देगा, ऊपर से ग्रहण पड़ रहा है उसका वीडियो आपको अलग से मिलेगा, तो इसमें खर्च बहुत ज़्यादा होगा, इस बात का ध्यान दीजिए। छोटे भाई बहनों के ऊपर खर्च हो सकता है किसी ना किसी तरीके से, और साथ में न्यायिक मामलों में हालांकि सफलता मिलेगी लेकिन जीवन साथी के साथ एक लंबी दूरी की यात्रा पर भी खर्च हो सकता है। नए प्रकार के बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये टाइम, अगर आप अपने जन्म स्थान के आसपास रहते हैं उसके लिए अच्छा नहीं है, जो जन्म स्थान से काफ़ी दूर रहते हैं और वहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। देखिए ओवरऑल मीन लग्न में अभी पोजीशन अच्छी नहीं है, इसलिए अपने को कूल रखिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप एग्रेसिव हो जाइएगा तो परेशानियाँ ज़्यादा रहेगी। उपाय के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको भी करना चाहिए जिससे कि चीज़ें आपके पक्ष में रहे। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन और शनि मंगल की जो युति बन रही है उसका पूरा प्रभाव। तो अभी के लिए इतना ही, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर की एम सिन्हा, ओम नमः शिवाय।